हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू सड़क क्लिनिक। मैं हूँ लक्ष्मी, आपकी कोच। आज आपको टीपीयू कवर्स या टीपीयू केसेस या सिलिकॉन कवर्स हमें कैसे प्रिंट करना है, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं कि मोबाइल कवर हार्ड बैग केस जो इस टाइप का मोबाइल कवर है वो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। या पहले का वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि किस मशीन को यूज़ करेंगे, प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिलिकॉन कवर के ऊपर करते हैं। तो ये हमारा सिलिकॉन कवर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो इस टीपीयू कवर्स, टीपीयू केसेस भी बोलते हैं। तो इसको हम प्रिंट करने के लिए कि क्या प्रोसेस है, कौन सा मशीन को यूज़ करेंगे एंड बाकी रिमाइनिंग एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए हमें, क्योंकि एक मोबाइल कवर के ऊपर प्रिंट करने के लिए सिर्फ मशीन काफ़ी नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ जोड़ के रखने के बाद ही हम एक मोबाइल कवर के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो क्या है वो सब कुछ, सो आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो इस वीडियो को मतलब प्रोसेस को हमको दिखाने के लिए हमारे साथ है जो हमारा कंपनी स्टार्टअप क्लिनिक 99 सप्लीमेशन का सीनियर ट्रेनर प्रशांत। आज आपको दिखाएंगे कि इस वीडियो में सिलिकॉन कवर्स के ऊपर हम प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो प्रिंटिंग करने वाले हैं सिलिकॉन मोबाइल कवर के ऊपर प्रिंटिंग करने वाले, ये है हमारे डिज़ाइन जो आप जब प्रिंटिंग करने वाले हैं आपके सामने मैं दिखा दूँ। पहले ये जो हमारे तीन डिज़ाइन है, तीन मैं आपको प्रिंटिंग करने के आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तीन मोबाइल कवर, और ये देख सकते हो सिलिकॉन मोबाइल कवर जिसमें कि एक फिल्म छपने मशीन जिसको बोला जाता है, फिल्म को बोला जाता है, जैसे पीवी शीट होती है ऐसे ही एक पतली शीट होती है। फिल्म के ऊपर हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफर इसको स्टेप से पेस्टिंग कर देते हैं। तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक सिलिकॉन मोबाइल कवर को आप प्रिंटिंग कर सकते हो और इजीली कैसे आप बना सकते हो, और आपको पेस्टिंग से लेके मैं एक चार आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि एक डिज़ाइन, ये तीन डिज़ाइन आप बना सकते हो, डिज़ाइनिंग आपको आता हुआ डेफिनेटली आप बना सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो इजीली करके, ठीक है। तो सेकंड आता है जैसे कि आप उसमें मशीन जो यूज़ होने वाला है, मशीन जो यूज़ होने वाला आपका यूरोन स्टैंडर्ड मशीन है, आप ही के सामने रखा हुआ है। ये जो आपके सामने ये बहुत बड़ा साइज है, यानी कि 60x24 साइज है। इसमें भी अलग अलग वैरायटी के साइज आप ले सकते हो, डिफरेंट टाइप्स, यानी कि आप अगर जो चाहते हो इससे बड़ा साइज लेना चाहते हो, यानी कि आप 24x32 लेना चाहते हो या 32x44 इंचीस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, साइज़ का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बड़ा साइज या रोल प्रिंटिंग आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मशीन जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड का मशीन रहता है, क्योंकि यूरोपियन से हीटर्स रहते हैं जिसमें पार्ट होता है पूरा परफेक्टली पास होते हैं, जो 99% ट्रांसफर आपको इंक होता है और जो अच्छी क्वालिटी जो एज टू एज पूरा हीट होता है इस मशीन का, ठीक है। तो सेकंड आता है आपका इसमें प्रिंटर। प्रिंटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 1800 प्रिंटर है, आपके सामने ये रखा हुआ है, ये है मॉडल इंक, ठीक है। तो इसमें जो इंक गिर रही है वो है 99 सब्लिमेशन की ब्रांडेड इंक है, जो हाई डेफिनेशन इंक होती है, HD क्वालिटी की। जो आप देखते हो आपके सामने ही प्रिंटिंग हम लोग आपको करके दिखाने वाले हैं किस टाइप से क्वालिटी आ सकती है। जो 99 सब्लिमेशन का मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो है 99 सब्लिमेशन का, 99% ट्रांसफर करता है। ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर जो क्वालिटी आपको लाना चाहते हो तो इस टाइप से आप प्रिंटिंग अगर जो लाना चाहते हो तो क्वालिटी इस टाइप से कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं एक दूसरे को देख लेते हैं इजी करके कैसे हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, चलते हैं दोस्तों। सो देखा कि आज के वीडियो में हमें एक सिलिकॉन कवर कैसे होते हैं वो तो आपने देख लिया। उसके बाद हम जो मशीन यूज़ करने के लिए जा रहे हैं वो है जो हमारे पीछे है यूरोपियन स्टैंडर्ड का हेवी ड्यूटी फ्लैटनेस मशीन। सो इसलिए इससे क्या होता है ना कि आपको प्रिंटिंग के टाइम पे आपको खुद महसूस करोगी कि इस मशीन का क्वालिटीज कैसे होते हैं। सो जो देखते हो या जो मैं बता देते हो उससे अलग फील होता है कि इस मशीन के थ्रू आप प्रिंटिंग करते हो, क्योंकि इतना स्टैंडर्ड फुल मशीनरी है ये। सो इसी सिलिकॉन कवर को हम इस मशीन को यूज़ करके प्रिंट कर रहे हैं। जो मशीन का साइज़ है A3 साइज़ है 16x24 है। सो इतना बड़ा मशीन है 16x24 का, इसीलिए एक ही बार जो हम मोबाइल कवर को प्रिंटिंग करना चाहते हो सिलिकॉन मोबाइल कवर को, 20 मोबाइल कवर हम एक ही बार एट ए टाइम एक ही साथ हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। एंड जो आपको प्लेट दिखाया था ना, सिंगल टेफलॉन ये क्या बोलते हैं इसको, ये शीट, इस शीट को हम प्रिंट करने के लिए इस डिज़ाइन को डिज़ाइन के साथ हमारा इसको जोड़ के रखा था। इसके लिए जो हमने एक टेफलॉन टेप को लिया था, क्योंकि ये हिले ना, अभी हिलेगा नहीं है तो प्रॉपरली आपको इसके ऊपर पेस्टिंग हो जाएगा। सो ऐसे ही हमने तीन मोबाइल कवर्स के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट कलर के शीट्स जो रखा है, टेफलॉन शीट्स है। इसको दो शीट्स होते हैं ऊपर का नीचे का बेडिंग के लिए। सो इसका बीच में हम इसको रखेंगे और टेम्परेचर एंड टाइमिंग रख के प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पीछे आपको कि इस बेडिंग के ऊपर हमने रख दिया ऑलमोस्ट। सो इसको अभी क्लोज करके अब टेम्परेचर एंड टाइमिंग, ऑलरेडी टेम्परेचर हम 220 डिग्री का टेम्परेचर दिया हुआ है। सो टाइमिंग हमने दिया था 40 सेकेंड्स। तो एक मिनट के अंदर अंदर हम 20 कवर्स हम कर सकते हैं। बट लेकिन मैं आज आपको तीन मोबाइल कवर कैसे प्रिंट होते हैं देख सकते हो। सो नेक्स्ट हमें प्रिंटर में जाएंगे, ठीक कलर का प्रिंटर, मशीन A3 साइज है तो प्रिंटर भी A3 साइज का ले लीजिए। उसके बाद जो इंक हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो है वाटर प्रूफ इंक है 99 सब्लिमेशन का, क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी ऑफ
इंक यूज नहीं करोगे तो ट्रांसफर के टाइम में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो हमें एग्जैक्टली जो दिखता है सिस्टम में एंड जो ट्रांसफर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए जो मैं इंक यूज़ कर रहा हूँ 9S सब्लिमेशन का वाटर प्रूफ इंक है, एंड जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ 9S सब्लिमेशन का ड्यूल कोटेड हाईली डेफिनेशन पेपर है। इन दोनों ही जो प्रिंटिंग के प्रोसेस में मैक्सिमम हमें जो सपोर्ट देते हैं, तो ये परफेक्टली होना चाहिए। तो ये दोनों हमने ले लिया। सो एक हमारा रॉ मटेरियल जो मोबाइल कवर्स है वो तो हमने ले लिया। सो इसके थ्रू हम सिलिकॉन कवर्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, एंड इसी मशीन को यूज़ करके बाकी आप 15,000 प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसी मशीन फ्लैट आइटम है, तो फ्लैट का कुछ भी आइटम्स आप प्रिंटिंग कर सकते हो इसी मशीन में। सो इसमें से कुछ वेराइटी ऑफ जो मटेरियल है मैं स्टूडियो में आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो पीछे आपको फ्रेम्स दिख रहे हैं उस टाइप ऑफ फ्रेम भी इसी मशीन में कर सकते हो, एंड यहाँ पे मैजिक कुशन दिख रहे हैं वो भी इसी मशीन के थ्रू प्रिंट कर सकते हो, एंड यहाँ पे मोबाइल कवर्स जो हार्डवेयर केस है यहाँ पे जो दिख रही है ये सब कुछ आपको इस मेरून कलर का मशीनरी में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हमें डाइस या मोल्ड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ता है। सो आप देख सकते हो पीछे मेरा मोबाइल कवर्स का डिज़ाइन कितना सुंदर है ना, क्योंकि कलरफुल है। सो एंड एक एक कलर आपको इतना ही लुक आएगा, जो फिट इज़ लाइट कलर हो डार्क कलर हो, सो एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे से दिखेगा बिकॉज ऑफ द इंक एंड पेपर। सो इसके बाद आप यहाँ पे टी शर्ट्स के डिज़ाइन देख सकते हो, आप देखिए कि कितना अच्छे से डिज़ाइंस प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि प्रिंटिंग आप यहाँ पे हमारा हाथों से होता है, डिज़ाइन हमारा माइंड में होता है, तो कि किस टाइप ऑफ डिज़ाइन हमें चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या है कि बाहर जाते हो तो इसमें आपको टी शर्ट के ऊपर जो मटेरियल है वो पसंद नहीं आएगा, उसमें टी शर्ट के डिज़ाइन पसंद आएगा, ऐसे कुछ अलग अलग फीलिंग आता है। सो यहाँ पे आप जीन्स के ऊपर भी प्रिंटिंग कर सकते हो, एंड बिल्डर के थ्रू हम टाइल्स का बिजनेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको जो टाइल्स हम प्रिंटिंग करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो कितना अच्छे से ये टाइल प्रिंटिंग हो चुका है ना, कि इस टाइप ऑफ प्रिंटिंग हमें करना है तो टाइल्स के ऊपर आप प्रिंटिंग कर सकते हो। सो जो भी साइज है जो भी है, तो ऐसे ही मैजिक कुशंस के ऊपर भी प्रिंटिंग करना चाहते हो, हार्ट शेप हो स्क्वायर शेप हो या हाफ है, आप यहाँ पे देख सकते हो आधा प्रिंट हुआ है, तो ये मैजिक कुशन है, ठीक है। सो ऐसा तो इस टाइप ऑफ प्रिंटिंग हम आराम से कर सकते हैं। तो देखा है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर हम प्रिंटिंग कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिलिकॉन का उसको प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इसके ऊपर है सब कुछ। सो आज का जो ये है ये भी प्रिंटिंग हो चुका है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप ऑफ प्रिंटिंग हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप ऑफ डिज़ाइन हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, जिस पेपर में जो कलर है कुछ भी नहीं है, कंप्लीट इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। सो ऐसा ट्रांसफ़र सारा कलर आपको ट्रांसफ़र करना है तो हमें चाहिए होता है जो पेपर प्रिंटिंग बेस्ट क्वालिटी। तो देखा है ना कि ऑलमोस्ट दो कवर्स हमें आ चुका है, ये कवर कैसे मतलब हमें जोड़ना है वो आपको दिखाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छे से डिज़ाइंस हमने प्रिंट हुआ है। सो आपको मैं प्रोसेस दिखा देती हूँ एक बार आपको कैसे पेस्टिंग करना है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो डिज़ाइन है उसके ऊपर का जो छिलका को निकालने के बाद इस जो प्रिंट किया था हमने इसको हमें चिपकाएंगे। सो ये सब कुछ आपका हार्डवेयर केसेस है। तो जो मोबाइल कवर क्या बोलते हैं कि मेरून कलर का मशीन जो दिखाया था उसके ऊपर प्रिंटिंग आता है ये सब कुछ। सो इस टाइप ऑफ मोबाइल कवर को प्रिंट करने के लिए आपको चाहिए मोबाइल कवर का मशीनरी। सो इस टाइप ऑफ प्रिंटिंग करने के लिए आपको जस्ट एक फ्लैट प्रेस मशीन चाहिए, उसके बाद प्रिंटर पेपर टेप इंक, एंड आपको वहाँ पर प्रोसेस भी दिख रही है कि प्रशांत कैसे आपको उसको जोड़ रही है। सो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो हर एक पर्सन ईजिली नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार चिपकाना गलत हो गया तो वो वेस्ट हो जाएगा कवर। तो इस वजह से आपको बहुत ध्यान से इस मोबाइल कवर या सिलिकॉन कवर या TPU कवर या रबर कवर की जो भी आप बोल सकते हो इसके ऊपर हम प्रिंटिंग इतना आसान से इतना ईजिली आप प्रिंट कर सकते हो बस ध्यान से। ओके सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा फाइनल जो सिलिकॉन कवर है TPU कवर है वो प्रिंटिंग हो चुका है। सो डिज़ाइन आप देख सकते हो एंड कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो। सो कितना प्यारा सा हमने प्रिंट कर चुका है। सो इस टाइप ऑफ प्रिंटिंग करने के लिए जस्ट हमें एक सिलिकॉन कवर को प्रिंट करने के लिए जस्ट हमें क्या चाहिए, एक पेपरस मशीन, एक प्रिंटर, पेपर टेप, इंक है ना, बाकी हमारा रॉ मटेरियल। सो देखा है ना आज के वीडियो में हमें आपको जो डिज़ाइनर सिलिकॉन कवर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सो इसी के अलावा आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग करना चाहते हो, सो अलग बिजनेसेस को भी स्टार्टअप करना चाहते हो, क्योंकि हमारा स्टार्टअप क्लिनिक है, अदर बिजनेसेस को भी स्टार्टअप करने के लिए आप यहाँ पे फोन कॉल कर सकते हो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपको बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे आगे बढ़ना के लिए चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मॉन्चन जी के वीडियोज़ होते हैं वो फॉलो कर लीजिए। आपको कुछ आएगी कि हम किस टाइप ऑफ बिजनेसेस करने में हमें प्रॉफिट है, तो किस टाइप ऑफ बिजनेसेस हमें यहाँ पे मिलते हो, ये सब कुछ जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अंटिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारा जो विजन है वो पूरा अलग है।
इस देश से गरीबी हटाना चाहते हैं तो गरीबी हटाने के लिए आप अपने आप के घर से गरीबी हटाना पड़ेगा। जो यदि आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस को भी हम ग्रो करेंगे। एक नया बिजनेस करना चाहते हो, वो बिजनेस को भी सिखाएंगे। हमारे सोच में है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर। इस एंटायर शो के ऊपर के बीच में मोहन चंद्रा, जो अनेक एनजीओस में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, अब जो हमारे साथ आपके साथ मिलके एक नया दिशा के ओर लेके जा रहे हैं 2034 तक गरीबी हटाना। तो गरीबी हटाने के लिए आप अपने आप के घर से गरीबी हटाओगे, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, हर दिन आपको नया कुछ करना होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बढ़ाना होगा या नया बिजनेसमैन बनना होगा। तो इस देश से गरीबी हटाने के लिए पहला उद्देश्य है तो आप अपने आप के घर से गरीबी हटाओगे। हम लोग क्या पढ़ाएंगे, हम लोग आपको एक स्किल को डेवलप करेंगे, जो स्किल है सेलिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, ऐसे अनेक स्किल्स के साथ जो है आप अपने जीवन में एक नया रास्ता के ओर चल सकते हो, एक नया दिशा के ओर चल सकते हो, तो देश की गरीबी हटाने में मदद कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो आप हमारे सम नंबर्स में कनेक्ट कीजिएगा।